Hey guys, welcome to my YouTube channel. मैं CH रमी सेल्वियो. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं USCPA remuneration in Canada या ये कहें CPA salary in Canada. देखिए, बहुत सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में इंडिया से जाते हैं और उनका एक कंसर्न होता है कि अगर हम एक कनेडियन CPA या USCPA को अचीव कर लेते हैं तो कनाडा में हमारा रेमुनरेशन क्या हो सकता है. देखिए, मैंने यहाँ पे USCPA और कनेडियन CPA को टुगेदर रखा है. उसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि देखिए, अगर आप USCPA कर लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट आपको कनेडियन CPA भी मिल जाता है और आपके पास वर्ल्ड की सबसे कॉमर्स की पावरफुल डिग्री USCPA. तो इनके बेसिस पे आपका रेमुनरेशन क्या हो सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कनाडा के थ्रू आप USA में भी जॉब को अचीव कर सकते हैं और USA में आपका रेमुनरेशन, आपकी सैलरी क्या हो सकती है. तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. उसके पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके. तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, देखिए, अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो उससे पहले हमें मिनिमम वेजेस, एक सीपीए की प्रोफाइल को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको क्या मैक्सिमम रेमुनरेशन मिल सकता है. देखिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग एक ऐसा डिजिग्नेशन जिसके कारण आपको कनेडियन सीपीए मिल रहा है और साथ में एक प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल रहा है. So, आप अपनी ओन CPA फर्म कनाडा में स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर मैं मिनिमम आर्ली वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक एवरेज पर्सन का वहां पे जो मिनिमम वेजेस है वो 20 कनेडियन डॉलर पर आर है. तो वहीं अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होगी लाइक CPA USA या कनेडियन CPA तो आपका जो स्टार्टिंग रेमुनरेशन है वो $50 पर आर के अप्रोक्स हो सकता है. ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट हमसे CPA की क्लासेस भी लेते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो CPA में आज काम CPA बनके कनाडा में जॉब कर रहे हैं. सो अब मैं थोड़ा सा आपसे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपको किस प्रकार की प्रोफाइल मिल सकती है, क्या रोल होते हैं एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के. तो चलिए, इसको भी हम डिस्कस करें. अगर मैं आपसे प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो देखिए, अकाउंटेंट्स, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ऑडिट मैनेजर, टैक्सेशन की प्रोफाइल, क्योंकि US टैक्सेशन भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं, तो प्रोफाइल आपको बहुत सारी मिल जाती है USCPA करते से. अब अगर मैं एवरेज सैलरी के बारे में बात करूं तो अगर आप एक अकाउंटेंट की पोजीशन होल्ड करते हैं, मैनेजरियल अकाउंटेंट बनते हैं, तो देखिए, सीनियर अकाउंटेंट की जो सैलरी है वो $81,000 पर एनम हो सकती है. लेकिन वहीं अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंशियल कंट्रोलर की पोजीशन को होल्ड करते हैं तो $1,20,000 भी आपका पैकेज हो सकता है. और कुछ समय बाद अगर आपने कनाडा छोड़कर USA मूव ऑन होना हुआ तो USCPA US में आपको एक वर्ल्ड लेवल की रिकॉग्निशन देता है, क्योंकि आपके पास एक कनाडा का एक्सपीरियंस है, एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है. तो एवरेज सैलरी आफ्टर 3-4 ईयर आपकी USD में मैं बात करूं तो 1,20,000 to $1,50,000 की रेंज में हो सकती है. ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं. बहुत सारे कैंडिडेट USA से भी हमसे क्लासेस पढ़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस, और ऐसे कैंडिडेट जिनका कि कनाडा में प्लेसमेंट हुआ है या USA में प्लेसमेंट हुआ है, ये उनका प्योरली एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. तो वर्ल्ड की अकाउंटेंट की सबसे बड़ी बॉडी है USCPA. अगर ये डेजिग्नेशन आपके पास आ गया तो USA में आपको काफी अच्छी जॉब मिल सकती है, कनाडा में आपको काफी अच्छी जॉब मिल सकती है. गाइस, एक प्रोफेशनल डिग्री को केवल रेमुनरेशन में कंसीडर नहीं किया जाता, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. ना केवल USA, कनाडा, इवन लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज, हर कंट्री में USCPA को रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो एवरेज आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में 10-15 lakh आपकी सैलरी होती है. वहीं इंटरनेशनल अगर आप पहुंच जाएं तो 75-1 crore तक भी आपका रेमुनरेशन हो सकता है. आपको केवल CPA को पास करने पे फोकस करना है, पैकेज आपके पीछे भागेगा. द डे डेफिनेटली कम इन योर लाइफ जब आपको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी.
तो इस मोटिवेशन के साथ आप यूएससीपीए को करिए, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक गेम चेंजर हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।